हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब भाई। घर पे बैठे बोर हो रहे हो? मैं भी हो रहा हूँ, पूरा देश बोर है। पर क्या क्या सकते हैं, कर तो कोई कुछ नहीं सकता, घर पे रुकना है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप भी घर पे रुको, मैं भी घर पे हूँ, हर कोई घर पे है, पूरा वर्ल्ड घर पे है। घर पे बैठे बैठे एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहेंगे हम सब। अब ये देखो, ये क्या लॉक, ये चाबी इस लॉक की। ये घर का ताला यार बहुत पुराना ताला हो गया, बट अभी भी परफेक्टली काम करता है। इस ताले पे कई बार ऐसे गुस्से में फेंक दिया, पुराना हो गया, रखा इधर उधर, बहुत चीज़ों में रहा, पर ये ताला कभी ख़राब नहीं हुआ। इतना पुराना ताला है ये, बहुत मजबूत ताला है ये, एकदम नया ताला है, और ये छोटा सा नन्ना ताला। अब एसिड क्या करते हैं यार, जो एसिड होता है ना, वो अगर हाथ पे डल जाए तो हाथ में छेद कर सकता है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, जिस भी सरफेस पे वो डलेगा, खासकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड होते हैं। अब यही टेस्ट करेंगे कि अगर ताले को एसिड में डुबोया जाए तो ताला पे क्या इफेक्ट आएगा, कि ताला खुल जाएगा या नहीं खुलेगा, लॉक ताले के साथ ही करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले यार एक बात बताओ, घर पे आप पढ़ाई करते हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, डाउट आते क्या करते हो आप, अटक जाते हो, टाइम ख़राब होता है, तो उस डाउट को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है डाउट नट। इतनी अच्छी ऐप है ना, आप उस पर क्वेश्चन, जिस पर डाउट आया ना, उस क्वेश्चन की फोटो लो, क्रॉप करो और वो क्वेश्चन भेज दो डाउट नट पे। 3 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो, क्लास 6 से 12 तक, IIT, JEE, मेंस, एडवांस, नीट, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कोई भी डाउट आता है तो डाउट हो तो डाउट नट करो। लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड करो और अपने सारे डाउट सॉल्व कर लो। अब बढ़ते हैं आगे, करेंगे क्या, ये कौन सा है, ये देखो नाइट्रिक एसिड और ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम दोनों को टेस्ट कर लेंगे, नाइट्रिक एसिड में भी टेस्ट करेंगे और सल्फ्यूरिक में भी, कि दोनों एसिड में कौन ज़्यादा खतरनाक है, कौन ताले खोल पाता है। तो आगे बढ़ते हैं और इनको डिप करके कटोरे में डाल के एसिड डालना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले छोटा ताला, उसके बाद अब दूसरा ताला लेते हैं। ये देखो खोल के पूरा लॉक कर दिया। अब तीसरा, ये लॉक है पहले से, देखो एकदम कंप्लीट टाइट लॉक। अब इनमें एसिड डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड डलेगा छोटे वाले ताले में, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे डाला तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, हल्का सा भी कुछ चेंज नहीं लगा। तो अब नाइट्रिक एसिड डालेंगे दूसरे दो तालों में। नाइट्रिक एसिड और उसका HCl का आपने पढ़ा भी होगा, एक्वारेजिया होता है गोल्ड के ज्वेलरी को साफ करने के लिए, कि उसके ऊपर की एक लेयर हटा देता है। तो HNO3 बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड उसमें डाल रहा हूँ, और ये देखो डलते एकदम से रिएक्शन होना शुरू हो गया है, इसमें फ्यूम्स निकल रहे हैं रेड और नीचे ग्रीन कलर हो गया, क्योंकि वो आयरन की लेयर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया है एसिड ने। इसे छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। गर्म है अभी कटोरा काफ़ी, ताला भी ऐसा लग रहा है जैसे इस पर जंग लग गया हो, क्योंकि उसकी जो पहली लेयर है ना उसका कोरोजन हो गया, एसिड बहुत ज़्यादा कोरोजिव होते हैं इसलिए उनका कोरोजन हो गया लेयर का, पूरे ताले का नहीं हुआ होगा, पहली लेयर का हुआ है। अब इनको खोलने की कोशिश करते हैं। अभी ताले दोनों बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं और हाथों पे ये देखो लेयर आ गई इसकी। तो सबसे पहले छोटा ताला देखते हैं एसिड के,
इसमें कुछ नहीं है। फोन करेगा वो भी आराम से हाथ से बोला भी गर्म है काफी। हथौड़ी लेके आता हूँ, हथौड़ी से ट्राई करते हैं फिर इसको। और ये हथौड़ी से पहले इसको देखते हैं छोटे वाले। ऐसे निकल रहा है इसमें से और कुछ नहीं है, चला तो है निकाले बिल्कुल। छोटे वाले को देखते हैं भी, वो सल्फ्यूरिक में था इसलिए नहीं खुला, ये नाइट्रिक एसिड वाला शायद खुल जाए। शायद दूसरी तरफ मारने से खुले, अभी इधर की तरफ ट्राई करते हैं दूसरी साइड पे। मुझे नहीं लग रहा है इन पर कोई भी फर्क पड़ा है एसिड का। इस वाले को और देख लेते हैं, तो भाई जैसे कि आपने वीडियो में देखा सल्फ्यूरिक एसिड में छोटा ताला डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं हुआ कुछ भी खास, बट नाइट्रिक एसिड से जैसे धुआं निकला पूरा लाल हुआ, ऐसा लगा कि ताला खुल जाएगा। जैसे और आपने YouTube पे वीडियोस में देखा होगा कि भाई नाइट्रिक एसिड डालते हैं ताला खोल के दिखाते हैं लॉक है नहीं, हमने बिल्कुल वैसे ही करा। बट एंड में क्या हुआ, लोग क्या करते हैं एक ताला लेते हैं, हमने कई वीडियो देखी होगी, एक ताला लेंगे उसको टेस्ट करके दिखाएंगे कि मजबूत है खुल नहीं रहा ये वो, और नाइट्रिक एसिड डाल के दिखा देंगे कि इसका मैकेनिज्म खुल गया, ये ताला खुल गया, अब बेकार हो गया ताला। बट ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं हुआ, हल्का सा भी जो फर्क पड़ा हो, इनफैक्ट हमने हाथ से छोड़ो हथौड़ी भी मार के देखी ताला नहीं खुला, और एक नहीं हमने दो दो ताले इसलिए यूज़ करे थे, मैंने तीन ताले टोटल इसलिए लेते। चलो सल्फ्यूरिक एसिड को हटा दें, दो ताले तो तब भी बचते हैं नाइट्रिक एसिड से, दोनों में से एक तो खुलना चाहिए था, एक तो बहुत पुराना ताला हो गया मोटा, एक नया ताला था फिर भी वो भी नहीं खुला। तो ये जितने वीडियोस है ना कि एसिड से ताला खुल सकता, भाई ये एकदम झूठ है। जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो जिनमें ताला खुला वो सब आपका पागल बना रहे हैं, बस समझ जाओ आप क्या बना रहे हो आपका, तो उन पे बिलीव बिल्कुल मत करना। एसिड से ताला नहीं खुल सकता, किसी भी कीमत पे नहीं खुल सकता। इनफैक्ट जो आपने वीडियो में देखा उसके अलग भी मैंने एक बार और ट्राई करके देखा कि मैंने कहा क्या पता ज़्यादा देर रखने से होता हो, ज़्यादा देर रखने से भी कुछ नहीं होता, इस सब बकवास की बातें हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं वीडियो में एडिटिंग करके, कट करते हैं बीच में, ताला रिप्लेस करते हैं, जो भी करते हैं फ्रॉड है वो झूठ है, एसिड से ताला नहीं खुल सकता। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता चल गई, आपको वीडियो में हेल्प लगी हो कि हाँ भाई हमें पता चला कि अब एसिड से ताला नहीं खुलेगा, तो वीडियो को करना लाइक, और अगर अब भी खराब लग रहा है तो भाई डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, और एक आध वीडियोज़ का पर्दाफाश करते हुए। ठीक है, अभी के लिए बाय।